विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हर हि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमयं श्रीवत्सांगमुदारको सुभद्रं पीतांबरं लंकृतं श्यामंगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रातृभिर्भावितं। चंद्रमादास अयोध्या हनुमानगढ़ी प्रमुख पुजारी एवं महंत श्री करणी माता मंदिर गोपाल गौशाला पालवास धाम सीकर राजस्थान। आज बाबा श्री रामदास गौशाला में हम सब लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर वर्षों से अनावर्त गौ माता की सेवा हो रही है। सबसे खुशी बात तो ये है कि यहाँ पर अधिक से अधिक युवा वर्गों के माध्यम से गौ सेवा की ओर पहल हो रहा है, जो हमारे भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही खुशखबरी है और आने वाले युवाओं के लिए बहुत बड़ा प्रेरणादायक है। मैं आपको बताऊं कि हम लोग भारतीय सनातनीय हैं, हिंदू हैं, और हमारे संस्कृति में, हमारे वेद पुराण उपनिषदों में गौ माता का स्थान बहुत ऊंचा है और सनातन धर्म के प्राणों में से, पांच प्राणों में से एक प्राण गौ माता है, जिनकी रक्षा होना हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए और हम सब के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक है। हमारे ऋषि मुनियों ने अनादि कालों से गौ को माँ का दर्जा देकर, इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम हमारे जो उपास्य देवता हैं, हम सनातनियों के, हमारे हिंदुओं के, उन सब ने गौ को माँ का दर्जा देकर उनकी सेवा करी, उनकी रक्षा किया। और इतना ही नहीं, नंगे पांव चलकर भगवान स्वयं ग्वाला बनकर भगवान श्री कृष्ण ने गौ की सेवा किया, गौ की रक्षा करी, इसीलिए उनका नाम गोपाल और गोविंद पड़ा। तो गौ माता की सेवा का बहुत फल है। आज के वर्तमान समय में जो चारों तरफ से लोग अनेक प्रकार के व्याधियों से, अनेक प्रकार के विषैले जो है कि जीवाणुओं से आज व्यक्ति परेशान है, अनेक प्रकार से रोगों से ग्रसित है, इस वर्तमान समय में ऐसी विषम परिस्थिति में गौ माता ही एक ऐसी प्राणी है जिनकी सेवा से, जिनके दुग्ध से, जिनके गौमूत्र से, जिनके रहने से, जिनके बोलने से, जिनके रोम रोम से इस प्रकार की पॉजिटिव जो है ऊर्जा निकलता है और जिससे चारों तरफ वातावरण में एक सुंदर माहौल बनकर जितने भी सूक्ष्माति सूक्ष्म जो विषैली कीटाणु हैं उसको ख़त्म करके मानव मात्र की, जीव मात्र की रक्षा करने में एक बहुत बड़ा सहायक है। गौ माता के दुग्ध में, इनके गौमूत्र में इतना ताकत है, इतना शक्ति है, कैंसर जैसे बीमारियों को भी दूर करने की इसमें क्षमता है। और गौ माता कितना वर्णन करें उतना ही कम है। आज के वर्तमान समय युग में मैं सबसे यही निवेदन करूँगा, बाबा रामदास गौशाला के माध्यम से मैं पूरे समाज को, पूरे देशवासियों को, हमारे सीकर निवासियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि गौ माता ही हमारी रक्षा करने वाली है। आज के वर्तमान समय में हर युवा वर्ग, हर बुजुर्ग, हर व्यक्ति, मातृशक्ति, सभी गौ माता की सेवा में तत्परता से लगें ताकि हमारी सबकी वृद्धि हो, हम सबका भविष्य उज्जवल हो, हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, हमारे जो वंशज हैं, वो भी स्वस्थ और स्वच्छ रहे, धनवान बने, समृद्धशाली बने, हमारा देश, हमारा भारत समृद्धशाली गौरवान्वित होकर एक पूरे विश्व में हमारा भारत का नाम रहे, इसीलिए गौ माता की सेवा करना अति आवश्यक है। आज इस अवसर पर बाबा रामदास गौशाला में पार्थिव गौ मूर्ति का
अनावरण का कार्यक्रम था, जो एक प्रतिचिन्ह गौ माता का, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलेगा कि वास्तव में हर मंदिर में, घर घर में लोग भगवान की मूर्ति रख कर पूजा करते हैं, पर अब आवश्यक ये है कि हर घर में, हर व्यक्ति के हृदय में गौ माता बसे और हर व्यक्ति के जवान से गौ माँ का नाम निकले, ताकि हम सब का कल्याण हो। इसी शुभकामना के साथ में यहाँ आए हुए सभी गौहतों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और हमारे और समाज को प्रेरणादायक है, और इससे गौ माता की सेवा भी हो रही है, बहुत लाभ है। और इसमें श्री श्रवण सिंह राजावत, श्री नारायण सिंह जी राजावत, झड़ोदा, सवाई माधोपुर, आपकी तरफ से आप नहीं। और महेंद्र सिंह जी राठौड़ पुत्र, श्री हरि सिंह जी राठौड़, रामपुरिया महियाल जोधपुर से, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने बहुत बहुत बढ़िया की। करणजीत सिंह जी राठौड़ पुत्र, सिंह माधो सिंह जी राठौड़ चोड़ा चूरू से, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। रसाल सिंह शेखावत पुत्र, श्री माल सिंह जी शेखावत सिंहासन सिकर, आप सबके तरफ से, चार परिवार की तरफ से यहाँ गौ माता के लिए, चार यानी चार स्तंभ होते हैं हर चीज़ के, और गाय के भी चार चरण होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार होते हैं, तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषों के द्वारा गौ माता की स्थापना हुआ है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौ माता श्री रामदास, बाबा रामदास गौशाला समिति एवं जितने भी यहाँ के जुड़े हुए मेंबर हैं, आप चार परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद देती है, और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम साधु संत भी आप सबको आशीर्वाद देते हैं। यही है हमारे जो है पूजा के योग्य। नमोस्तुताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनामति गाओ प्यारे आपको के बिहारी तेरी आरती गाओ, प्रमोदर तेरी आरती गाओ, मोर मोरते प्यारे शीश पे सोए, मोर मोरते प्यारे शीश पे सोए, प्यारी बंसी रो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारि में जाऊं, देख छवि बलिहारि में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बहुत सुंदर कौन सी जगह बनाए रामी जी, इसको नागौर, नागौर से बना के क्या, नागौर भी गौशाला के अंदर चढ़ा रही है। अच्छा, वहाँ से बन के आया है ना, तो माला लाया है कि नहीं, मेरा पूजा करा दे एक बार, क्यों ऊपर आ जी जय श्री राम, जय श्री राम। ओ मनोहर जी, क्या बात है यार, बहुत सुंदर, सबको ढाणी हो सब चारों तरफ से जोड़ो, क्यों नाम जी हम तो बहुत पहले से नहीं गई थी, तीन साल पहले, तीन साल पहले वही गोचतन यात्रा वाले थे, कल मैं फोटो भेजा था जी, गोपाल जी महाराज, गोपालनंद जी महाराज है ना। अच्छा, उनके अब हमारा विचार चल रहा है कि भाई उनको एक गौ कथा करवाया, सुंदर देखने में सुंदर है, मेरे को क्या है कि वो सांगलिया धुनी में वहाँ बोले थे, कई लोग वहाँ पे जो जुड़े हुए हैं ना, अपने से भी जुड़े हुए, महाराज जी बोलेंगे नंदी सांगलिया में भेजो, मतलब कि यार ये तो उन्हें वहाँ जोगेंद्र जी को बोल दिया सिंहासन के लिए, फिर वहाँ दूसरा नंदी तैयार करके भेजेंगे सांगलिया में, सांगलिया धुनी में ना, मिलावट नहीं है, उसमें मिलावट था,
वो भी हो जाएगा तैयार। मतलब ये जो है ना छांटड़ा मैंने अपने घोसला के लिए मंगाया था, फिर हमारे घोसला में क्या है कि दूसरा बड़ा नंदी है, मतलब कि अभी दो नंदी, अभी कांग्रेस का नंदी है, इतना नंदी क्या करेंगे, मतलब अपने यहाँ जरूरत भी थी, मैं बोला भी था आपको एक नंदी जिले में खुलेगी, पंचायत समिति पंचायत पहले तो तहसील के अनुसार से खुलेगा और उसके बाद में पंचायत समिति के अनुसार खुलेगा, वो उसका प्रावधान बहुत टाइम लगेगा पंचायत समिति के खुलने का, परंतु आप लोग प्रावधान कर सकते, आपके पास जमीन है गौशाला के नाम से, तो आप लोग ले सकते हैं गौशाला के नाम से होना चाहिए, रजिस्टर की जरूरत नहीं है, नाम जमीन होना चाहिए गौशाला के नाम से, हमारे पास में समस्या है नहीं तो हम खोल लें। आप जो है ना एक बीघा दो बीघा जमीन में जो कितनी जमीन चाहिए, कम से कम दो बीघा जमीन जो है ना आपको गौशाला के नाम से होना चाहिए, उसके बाद फिर आपको गौशाला के नजदीक कोई दो बीघा जमीन मिल जाए ना, आपने लीज भी मिल जाए, जैसे 20 साल का लीज में 10-5 बीघा जमीन है, अब लीज में भले आपको जमीन आप गौशाला का ले लो, परंतु कागज में लीज का जमीन दिखा लो भाई ये जमीन में हो रहा है कि नहीं, तो भी अपने को मिल जाएगा और बहुत बढ़िया है।